प्रेस कर देंगे। ओके ये प्रेस हो गया, जैसे ही टाइम हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगी। जैसे उठ गया अभी हमारा प्रिंट हो चुका है, ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। अब हम इसमें बटन प्रेस करेंगे, ये हमने बटन प्रेस कर दिया तो ये ऊपर प्रेस हो चुका है। तब तक हम इस बेड पे प्रिपरेशन कर लेंगे। अब हम जैसे पेयर लगाते हैं तो इसको इस तरीके से प्रेस साइड स्लाइड करेंगे, ये ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगी। ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगी। अब जैसे ही टाइम हो जाएगा ये ऑटोमेटिक उठ जाएगी, तब तक हम इधर प्रिपरेशन कर लेंगे। वेलकम बैक टू बिजनेस फंडे दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं इंप्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी मशीनें मिलने वाली हैं। सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन मिल जाएगी, हीट प्रेस मशीन मिल जाएगी, फ्यूजिंग मशीन, लैनियर्ड प्रिंटिंग मशीन, स्क्रीन एक्सपोजर और इस तरह की काफ़ी मशीन मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई मशीन डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर डिज़ाइन हो जाती है। तो आगे हम आपको मिलवाएंगे यहाँ पर ओमवीर जी से। उससे पहले करूँगा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंप्रेशन मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड से ओमवीर जी हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो एक बार थोड़ा अपनी फर्म के बारे में बताइए सर। सर मेरा कंपनी का नाम है इंप्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हम नोएडा सेक्टर 10 में बेस्ड हैं। ओके और सर अपनी मशीनें अपने पास किस किस तरह की होती हैं? सर मेरे पास ना हीट प्रेस की मशीनें होती हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग की होती हैं, इम्बॉजिंग मशीन होती है। ओके और आपका स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, क्योरिंग मशीन हो गया और आपका इसके अलावा हीटिंग कन्वेयर हो गए, बिल्कुल ओवन हो गए और आपका जैसे मल्टीपल टाइप की हर टाइप की मशीनें बनाता हूँ मैं। ओके मल्टीपल टाइप की बनाते हैं। हाँ, बाकी अगर अपने अकॉर्डिंग कोई मशीन डेवलप करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। हाँ वही करते हैं हम मेनली। अच्छा, वही करते हैं। मेन चीज़ है हमारा कस्टमाइज मशीनें बना के देने का। ओके जैसा कस्टमर का डिमांड होगा वैसा हम मशीन बना के देंगे। एक बार सर जो यहाँ पे डेमो में लगी हुई इन मशीनों के बारे में थोड़ा बताइए। आप जैसे हम ये मशीन देख पा रहे हैं तो इसकी वर्किंग के बारे में बताइए, किस तरह से वर्किंग होती है? पूरा हम वर्किंग करके दिखाएंगे। देखिए आप इसमें क्या है। ओके इस पे मल्टीपल, जैसे अभी हम क्या है यहाँ पे आपका जो फुटवियर एक्सपो लगा हुआ है तो फुटवियर एक्सपो में बहुत सारी डिमांड होती है कि हमारा इस पे जो लुक भी लगती है। बिल्कुल जैसे आप ही ने भी लगा ये पहन रखा है। ये तो लेनियार्ड हो गया, लेनियार्ड भी प्रिंट होता है, लेनियार्ड भी प्रिंट हो जाता है, लेनियार्ड भी प्रिंट होता है। इसके अलावा जैसे लुप्पी होती है जूते की लुप्पी जो, हाँ जूते की लुप्पी को हम दोनों साइड मल्टी कलर प्रिंट कर सकते हैं। ओके मल्टी कलर प्रिंट कर सकते हैं। ये देखो ना आप दोनों साइड से, दोनों साइड में एक ही बार में हो जाएगा, एक ही बार में प्रिंट हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा हम इसमें जो काम कर सकते हैं, हम जो हमारे जूते की इंडस्ट्री में कई बार रिफ्लेक्टर लगते हैं तो रिफ्लेक्टर वाली पट्टी भी आप इसी में कर सकते हैं, ये ट्रांसफर होती है। अच्छा ये भी हो जाएगी इसी में, ये भी ट्रांसफर हो सकती है। ये आपका सेफ्टी में जो चलती है आपका रिफ्लेक्टर लगता है, सेफ्टी जैकेट वगैरह बनती है, तो ये भी हम इसी मशीन के अंदर कर सकते हैं। ओके तो अब इस मशीन का हम आपको फंक्शनिंग भी चला के दिखाएंगे। तो ये मशीन का मैं आपको फंक्शनिंग दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, कि कैसे कैसे ये वर्क करती है। बाकी हम इसको पूरा प्रिंटिंग करके भी दिखाएंगे आपको इसमें फंक्शनिंग क्या होता है। जैसे अब हमने अपना जैसे यहाँ पे पट्टियाँ बिछा ली, बिल्कुल इस तरीके से, इस पे आप लेनियार्ड हो या जो भी पट्टी होगी उस तरीके से आप बिछाएंगे। फिर उसके बाद इसके नीचे जैसे हमें मल्टी कलर करना है, दो बार कलर करना है, डबल कलर एट ए टाइम, बिल्कुल, तो हमें एक पेपर नीचे लगाना पड़ता है, एक ऊपर लगाना पड़ता है, ऊपर लगाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा बटन सिस्टम है, ये बटन दिए इसके नीचे आराम से आप पेपर लगा सकते हैं। जब पेपर लग जाएगा फिर इसको नीचे करेंगे इस तरीके से, फिर इसके ऊपर दूसरा पेपर लगाएंगे, फिर ये मशीन को यहाँ से प्रेस कर देंगे। ओके ये प्रेस हो गया, जैसे ही टाइम हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगी। जैसे उठ गया अभी हमारा प्रिंट हो चुका है, प्रिंट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके लूज करेंगे और इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, आगे ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो इजी टू ऑपरेट रहने वाली है। हाँ इसको कोई भी लेडीज भी चला सकती हैं, फीमेल चला सकती हैं और इसको कोई भी लेबर जैसे कि जो 8 घंटे काम करने में थक जाता है आदमी हाथ से दबाने से, बिल्कुल इसको आप 16 घंटे 18 घंटे भी आप काम कर सकते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से। जैसे कस्टमर का ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उसको ज़्यादा मशीन ज़्यादा प्रोडक्शन जरूरत है तो ज़्यादा देर के लिए काम करेगा, तो ये इजीनेस है, मतलब आदमी आराम से खड़े होकर इसको इजीली काम कर। और सर अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग की, अगर कोई मशीन आपसे परचेज कर रहा है उसे ट्रेनिंग की जरूरत है जी, तो आप ट्रेनिंग देते हैं सर? सर हम क्या है जब भी किसी भी कस्टमर को मशीन सेल करते हैं तो या तो उनको पता होता है तो हम बोलते हैं ठीक है जी आप ले जा सकते हैं, नहीं तो फिर हम उसके लिए पूरा स्क्रैच से पूरा ट्रेनिंग देते हैं। ओके ए टू जेड आपको बताएंगे, आपके यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएंगे कि ये प्रिंट हो गया जी आपका। तो ट्रेनिंग अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है कि अलग से चार्जेस देते हैं? ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है हमारी, कोई चार्जेस नहीं होता है। बिल्कुल सर बहुत अच्छी बात है। चलिए सर नेक्स्ट दिखाइए और क्या मिलने वाली है, किस तरह की मशीन मिलने वाली है? नेक्स्ट मशीन मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये हमारा दूसरा मशीन है, ये क्या है बेसिकली हीट प्रेस मशीन है। ओके और इसमें मल्टीपल साइजेज हम बनाते हैं, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये है 20x24 इंची का, क्योंकि जो पार्टिकुलर हमने जूते के अपर के लिए बनाया है। ओके इसमें पूरा एक अपर का पूरा एक वो लग जाता है, जैसे डबल पेयर लग जाता है, एक ऐसे लग जाएगा आपका और एक ये लग जाएगा, तो दो पेयर इसमें, मतलब एक पेयर एक प्लेट पर लग जाएगा,
और इस पे दूसरी वाली पे फिर दूसरा एक पेयर लग जाएगा। ओके। अब हम जैसे पेयर लगाते हैं तो इसको इस तरीके से प्रेस साइड स्लाइड करेंगे, ये ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगी। ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगी। अब जैसे ही टाइम हो जाएगा ये ऑटोमेटिक उठ जाएगी, तब तक हम इधर प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये कंटिन्यूस आप इससे प्रिंटिंग कर सकते हैं, ये जूते के अपर पे आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं। ओके। आप इस पे इस टाइप के स्टोन भी लगा सकते हैं, स्टोन भी लग जाएंगे। हाँ, सर ओस्की के स्टोन होते हैं, ये भी लगा सकते हैं आप, सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं। और इस पे इस टाइप से पीयू भी पेस्ट कर सकते हैं, पीयू कटिंग होगी तो उसको भी पेस्ट किया जा सकता है। फिर इसके ऊपर टॉय जो होते हैं, टॉय जिसको बोले टॉ, ये आगे जूते का जो टो होता है वो भी फ्यूजिंग कर सकते हैं। फ्यूजिंग कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल काम में आती है मशीन। बिल्कुल। बाकी जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग होती है वो सारा कुछ इस पे हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और इस पे इसके अलावा जैसे आपका ये तो हमारा हो गया, इसके लिए सूज के लिए हो गया। हाँ। इसके अलावा आप इसे टी शर्ट प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं, फ्लैग प्रिंटिंग कर सकते हैं, सब्लिमेशन फ्लैग प्रिंट होते हैं, फ्लैग प्रिंट होते हैं। और आपका ये आपका सूट जो होता है, सूट के ऊपर स्वारोस्की लगा सकते हैं। ओके। इस टाइप से इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं, मल्टीपल यूज हो सकते हैं। हाँ जी। Okay. तो ये मशीन का फंक्शनिंग आपको समझ आ गया। हम छोटी मशीन देखते हैं सब्लिमेशन वाली और एक बड़ी मशीन है जी, ठीक है, तो इसमें हमारा प्रोडक्शन भी फास्ट हो जाएगा। जी सर। Okay. इसमें डबल साइड प्रोडक्शन होता है ना, एक साइड आपका मशीन का प्रेसिंग चल रहा है, एक साइड आपका प्रिपरेशन कर प्रिपरेशन चल रहा है। तो उतनी देर में प्रिपरेशन होता है, फिर इसको स्लाइड करते थे दूसरी साइड में, बिल्कुल दूसरी साइड प्रेस हो जाता है इस तरीके से। ओके, बिल्कुल। तब तक ये तैयार करेंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास ये बड़ी साइज की मशीन है, इसका साइज जो हमारा है 30x40 इंची का है। 30x40 इंच का है। हाँ जी सर। तो ये 30x40 इंची की मशीन में आप अलग अलग टाइप के जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आप अपर लगाएंगे तो अपर के ऐसे अलग अलग पीस से ऐसे इसमें 6 अपर लगा सकते हैं, मतलब 3 जोड़ी एक बार में लगाया जा सकता है। उसके अलावा ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं, फिर उसके ये स्वारोस्की कर सकते हैं आप। ओके। इस टाइप के स्टोन भी इस पे लगाया जा सकता है। ये स्टोन आप चाहे सूट पे लगा लीजिए, चाहे साड़ी पे लगा लीजिए, चाहे आप टॉप्स पे लगा लीजिए, या लेडीज जो स्लीपर होते हैं उनकी जो ये बेल्ट होती है इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो किसी भी चीज के ऊपर आप इस पे काम कर सकते हैं। इसका फंक्शनिंग मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये फंक्शनिंग है इसका। और जैसे मैं ऊपर फ्लैग देख रहा हूँ, वो फ्लैग भी इससे प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी, फ्लैग भी इसी से प्रिंट हो जाता है। ओके, इसी से प्रिंट हो जाता है। चलिए इसी साइड का, हाँ बिल्कुल, फंक्शनिंग देखते हैं इसकी। ये आप देखिए। ओके, ये हमने कपड़ा लगाया हुआ है इसमें। तो ये जैसे हमने इसे प्रेस किया, ये अंदर गया, ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। Okay. अब हम इसमें बटन प्रेस करेंगे, ये हमने बटन प्रेस कर दिया तो ये ऊपर प्रेस हो चुका है। तब तक हम इस बेड पे प्रिपरेशन कर लेंगे, बेड पे प्रिपरेशन कर लेंगे। जब वो अदर पूरा प्रिंट हो जाएगा, मतलब टाइम हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली फिर रिवर्स आ जाएगा। अभी देखिए ये ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरे बेड पे प्रिंटिंग चालू हो जाएगा, दूसरे बेड पे प्रिंटिंग चालू हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा काफी। हाँ जी, हाँ जी, फास्ट प्रोडक्शन किया जा सकता है इस पे। और इसमें जो मल्टीपल काम क्या कर सकते हैं हम, इस पे जो टी शर्ट होती है, स्पोर्ट जर्सी होती है, वो स्पोर्ट जर्सी भी इस पे प्रिंटिंग होता है। Okay. जितने IPL की जैकेट हो गई आपकी, बिल्कुल, और आपका फुटबॉल हो गया, कोई भी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी टी शर्ट बनती है या जैकेट बनती है या ट्रैक सूट होता है, वो सब इस पे प्रिंटिंग किया जा सकता है। Okay. और आपका सूट पे स्वारोस्की का जैसे मैंने बोला आपको, वो किया जा सकता है, DTF प्रिंटिंग किया जा सकता है, और आपका स्टोन लगाया जा सकता है, विनाइल प्रिंटिंग किया जा सकता है, मतलब मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं इसी मशीन को हम। जी, ये मशीनों की सर्विसेज दिखा सकते हो, ये मैं मशीनें सारी बनाता हूँ। ये सारी मशीनें बनाते हैं आप? हाँ जी, बड़े। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मल्टीपर्पज मशीनें बनाई जाती हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप कोई मशीन बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। नीचे एड्रेस आ रहा है सर का। तो सर ये छोटा मशीन है मेरे पास में, इसका साइज है हमारा 15x15 इंची का। कुछ कस्टमर का डिमांड होता है कि भाई हमें खाली आप आगे का अपर प्रिंट करना है, ये आगे का फ्रंट प्रिंट करना है, या लोगो टाइप का प्रिंट करना है। और उसके अलावा हमारे जूते के जो अपर होते हैं, ये जूते का अपर है, ये हमें सब्लिमेशन प्रिंटिंग किया है इस पे, ठीक है। तो इस पे सिंगल सिंगल पीस, जिसका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है तो उसके लिए सिंगल सिंगल पीस इस तरीके से आप लगा के और इस मशीन को साइड में स्लाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रेस होगा इस तरीके से। दिखाई देता हूँ, इस तरीके से रखा हो जाएगा। Okay. फिर इसके ऊपर पेपर रखते हैं, ये प्रेस किया, जैसे ही टाइम हो जाएगा ये ऑटोमेटिक उठ जाएगा मशीन। तब तक हम दूसरा अपर इसको तैयार कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रिंटर से प्रिंट आउट आएगा, कोई भी डिजाइन का हम बना सकते हैं, कितने भी कलर ले सकते हैं हम उसमें, बिल्कुल। और ये जो प्रिंटिंग होता है ये लाइफ टाइम होती है, मतलब कभी भी आपका जाएगा नहीं। ओके। तो इस पे हम देखो, ये सफेद कलर का ये कपड़ा है, ये आपका वो हो गया अपर हो गया, इसके ऊपर अभी हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो इस तरह से हम पेपर लगा देते हैं, ये इसके ऊपर ये हमारा मैश हो गया, इसके ऊपर हमने पेपर लगा दिया, ठीक है। तो अब इसको हम स्लाइड करेंगे, ये देखिए अब इस तरह स्लाइडिंग करेंगे हम, ये यहाँ से टाइम टेम्परेचर अपन सेट कर सकते हैं, यहाँ से टाइम और टेम्परेचर सेट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से प्रेस हो जाएगा। अब ये प्रेस होने के बाद जो हमारा प्रिंट हुआ है वो अब आपको प्रिंट दिखा देते हैं, ये आपका प्रिंट आ चुका है। ओके, वाओ,
मतलब ये है कि ऐसे जैसे भीगने भीगने से हटता नहीं है कुछ भी। हटेगा नहीं बिल्कुल भी, आप भिगोएंगे या कुछ भी करेंगे तो आप क्वालिटी देख सकते हैं कि कैसा क्वालिटी आया इसका। आप ये देखिए अच्छे से, बिल्कुल ये आपका सब्लिमेशन प्रिंट हो चुका है। Okay, तो कोई भी अपर की कटिंग भी होगी, जैसे कि मैं आपको कटिंग दिखाया था अभी, ये कटिंग भी, कटिंग के ऊपर भी अपन प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये मैंने पहले किया, इसके ऊपर ये कटिंग भी प्रिंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तरीके से दूसरा अपर हमने जैसे ये लगाया तो इस तरीके से फिर इधर को स्लाइड करेंगे तो ये ऐसे प्रेस हो जाएगा, इधर प्रेस हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑटोमेटिक डबल बेड मशीन है और ये मास प्रोडक्शन के लिए ही यूज होता है। उसके अलावा सर हमारे पास में ये एम्बॉजिंग मशीन है। एम्बॉजिंग मशीन आजकल क्या है, सूज इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो क्या है, नीचे का जो ईवा सीट होती है, ईवा सीट के ऊपर इस टाइप से कपड़ा लगा होता है, फिर ये आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये आपका रेगजीन लगा हुआ है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप एम्बॉजिंग कर सकते हैं इस मशीन के अंदर। ये एम्बॉजिंग आप फिर इसे लेजर कटिंग करें या हाथ से कटिंग करेंगे वो आपका चॉइस के हिसाब से होता है। तो ये काम भी हम इस एम्बॉजिंग मशीन में करते हैं और हम ये रेगुलर मशीनें बनाते हैं एम्बॉजिंग मशीन का भी, और ये कस्टमाइज ही बनाते हैं। कस्टमर कहता है भी मेरे को एक ही जोड़ी करना है या मेरे को छः जोड़ी एक बार में करना है या चार जोड़ी करना है, जैसा भी चाहेंगे उस साइज के हिसाब से कस्टमाइज मशीन बना के दे सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। उसके अलावा छोटा ही एक मशीन है इधर साइड में, आपको दिख नहीं रहा शायद, ये हमारा मशीन है छोटा, जैसे लोगो टाइप का प्रिंटिंग करना है। अच्छा, लोगो प्रिंटिंग के लिए। हाँ, तो ये भी हमारा डबल बेड मशीन है। इसका प्रोडक्शन इस तरीके से प्रेसिंग होता है, ये भी बिल्कुल इधर आएगा, ये लेदर प्रेस हो जाए। ओके, तो ये 6x6 inches का है। जैसे किसी को लोगो प्रिंट करना है, अब ये बैग के ऊपर भी करते हैं, जूते के ऊपर भी लोगो लगाया जाता है, छोटा सा लोगो जो लगाते हैं अपने ब्रांड का, तो वो इस मशीन से आसानी से लगाया जा सकता है। और आपका टी शर्ट प्रिंटिंग में तो है ही ऑलरेडी। और जैसे सर ये मैं देख पा रहा हूँ, ये किस मशीन से होता है? सर ये है एम्बॉजिंग, जैसे एम्बॉजिंग, जैसे हम हुडीज वगैरह पे एम्बॉजिंग करते हैं, बिल्कुल। टी शर्ट के ऊपर भी होती है, टी शर्ट के ऊपर होता है, और आजकल जो मैंने आपको दिखाया ये अपर के ऊपर हो गया, बिल्कुल, ये किसी भी चीज पे एम्बॉजिंग, जो भी ये मशीन कर देगी हमारी, ये मशीन हमारा एम्बॉजिंग कर देगी। इसमें साइजेज अलग अलग हो सकते हैं एज पर कस्टमर के हिसाब से, किसी को छोटा चाहिए तो छोटा टाइप का एम्बॉजिंग मिल जाएगा, बड़ा चाहिए तो बड़ा बन सकता, बड़ा बन सकता है। तो ये हमारा एम्बॉजिंग मशीन के लिए हो गया। ओके, इसमें मतलब जिस तरह की डाई लगाएंगे उस तरह की एम्बॉजिंग हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं कुछ मशीनें हमने यहाँ पे साइज की वजह से लगाया नहीं है, तो वो मशीन भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारा क्यूरिंग मशीन है। ओके, क्यूरिंग मशीन है। ये क्यूरिंग मशीन का भी मल्टीपल यूज है। ये जैसे कि आपका गारमेंट इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, सूज इंडस्ट्री में हीट ट्रांसफर स्टीकर लगते हैं, तो हीट ट्रांसफर स्टीकर का लोगो जो बनाते हैं, जैसे ब्रांड का लोगो हो गया, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए लोगो बनाते हैं, तो इस क्यूरिंग मशीन से हीट ट्रांसफर स्टीकर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। मतलब प्रिंटिंग के बाद क्यूरिंग का प्रोसेस होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग से लोगो भी बना सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग के बाद हीट भी दे सकते हैं, हीट भी दे सकते हैं। और कई बार एजिज होती है, एजिज में कलर किया जाता है, फिर उसको एजिज को ड्राई करने के काम भी मशीन आती है। तो इस मशीन का भी मल्टीपल यूज है और ये मैं रेगुलर बनाता हूँ। इसमें अलग अलग टाइप की होती है, हीटिंग वाली भी बनाते हैं हम, और इसके अलावा आपका कंटिन्यूस क्यूरिंग मशीन, वो कन्वेयर भी बनाते हैं, कन्वेयर भी बनाते अगर कस्टमर को डिमांड है कि भी जैसे प्रोडक्शन लाइन पे कन्वेयर लगता है तो कन्वेयर भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये एक्सपोजर है जो कि स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज होता है फिल्म बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका हम पूरा सेटअप देते हैं, मतलब इसका आपका एक्सपोजर भी मिलेगा और फिल्म बनाने के लिए प्रिंटर भी मिलेगा, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, ए टू जेड पूरा सॉल्यूशन देते हैं हम इसका, बिल्कुल। और ये बहुत सारी कंपनी में आपका बहादुरगढ़ में और गारमेंट इंडस्ट्री में दोनों जगह ही इसका यूज होता है। उसके अलावा फिर आप हाई डेंसिटी ओवन देख रहे हैं, तो ये आपके हाई डेंसिटी के जो स्टीकर होते हैं वो बनाने के लिए काम आता है, जो आपका उसमें यूज होता है। ब्रांड बहुत सारे यूज करते हैं, एडिडास हो गया, पुमा हो गया और आपका लिबर्टी हो गया, ये सब लोग हाई डेंसिटी के स्टीकर जो यूज करते हैं वो इस ओवन के थ्रू बनते हैं। ओके, तो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके अलावा हम जो है हाइड्रोलिक मशीन भी देते हैं, ये हाइड्रोलिक है। ओके, ये हाइड्रोलिक प्रेस जो लिखे आए हैं, ये हाइड्रोलिक मशीन भी हम बनाते हैं। हाइड्रोलिक में चाहे आपका एम्बोजिंग हाइड्रोलिक भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और आपका हाइड्रोलिक में हीट प्रेस भी बनाते हैं, प्रेस भी बनाते हैं। और हाइड्रोलिक से जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी वो कस्टमाइज करके हम बना के दे सकते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा ये लैनयार्ड प्रिंटिंग मशीन है, आई कार्ड की जो डोरी प्रिंट होती है, ये डबल बेड मशीन है बेसिकली। ओके, ये हमने शायद ये सिंगल बेड हमने दिखाई थी ना पीछे, वो सिंगल बेड हमने आपको दिखाया था, ये डबल बेड है, जिससे मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन के लिए। इसकी कैपेसिटी होती है एक दिन में, मतलब 8 घंटे में आप 15,000 लैनयार्ड प्रिंट कर सकते हैं, 15,000 आपका लुप्पी प्रिंट किया जा सकता है, 15,000 मीटर तक का प्रिंट किया जा सकता है। तो 15,000 मीटर में आपका चाहे लैनयार्ड प्रिंट कर लो आप, चाहे आप लुप्पी प्रिंट कर लो, चाहे आप जो ट्रांसफर होता है उसके ऊपर रिफ्लेक्टर जो ट्रांसफर होता है बेल्टों पे या फिर आपका लुप्पी के पीछे जो जूते में लगती है उसको इसके थ्रू किया जा सकता है। उसके आगे ये मशीन मैंने आपको दिखाया ही अभी, बिल्कुल। फिर एक मशीन हमारे पास ये है, देखो
ये हमारी एक और इंडस्ट्री को कन्वर्ट करती है, ये इम्बोजिंग मशीन है, न्यूमेटिक इम्बोजिंग मशीन। इसमें हमारा जो स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी में पार्टिकुलर आप डायरी जो होती है, डायरी के ऊपर आपने देखा हुआ है फॉइलिंग किया जाता है और उसको डिबोजिंग या इम्बोजिंग किया जाता है, बिल्कुल, तो वो इस मशीन से किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा, इसको हम इम्बोजिंग मशीन भी बोल सकते हैं, और इससे हम डायरी और आपका जो बाकी के इम्बोजिंग के काम होते हैं वो भी इससे किया जा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर इसमें एक्स्ट्रा है कि आपका डायरी के ऊपर इम्बोजिंग किया जा सकता है। उसके अलावा आपको अगर किसी का बजट नहीं होता तो हम मैनुअल मशीन भी बनाते हैं। अच्छा, मैनुअल बनाते हैं, तो कम बजट में भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये हमारे पीछे इम्बोजिंग मैनुअल मशीन लगा हुआ है, तो इस टाइप से हम इम्बोजिंग। मैनुअल मशीन कितनी कहती है अपनी? सर मैनुअल मशीन हमारा 12,500 से स्टार्ट हो जाता है, 12,500 से स्टार्ट हो जाता है। उसके ऊपर आपका जैसा भी साइज बढ़ेगा उसी हिसाब से प्राइजेज होते हैं, और वो कस्टमाइज ही होते हैं। उसके अलावा हम स्क्रीन प्रिंटिंग भी बनाते हैं, जो कि आपका टी शर्ट प्रिंटिंग में, बैग प्रिंटिंग में, ये हमारा राउंड में स्क्रीन प्रिंटिंग है, बिल्कुल। तो इसमें हम अलग अलग कलर के हिसाब से बनाते हैं, जैसे 4 कलर 4 स्टेशन है, 6 कलर 6 स्टेशन है, 8 कलर 8 स्टेशन है, मतलब कस्टमर की डिमांड के ऊपर, जिस तरह की डिमांड के हिसाब से। और इसमें पूरा सॉल्यूशन ही देते हैं हम किसी भी चीज का, जैसे सब्लिमेशन का लेंगे तो सब्लिमेशन का हम प्रिंटर भी देते हैं, सब्लिमेशन के मशीन भी देते हैं, एयर कंप्रेसर भी देते हैं, पूरा कंप्लीट सेटअप लगा के देंगे, पूरा ट्रेनिंग देंगे। अगर पहले से किसी का लगा हुआ है तो उनको जो भी मशीन कस्टमाइज चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सर। और इसके अलावा फिर आपका स्क्रीन प्रिंटिंग का मैंने बता दिया, स्क्रीन प्रिंटिंग का भी पूरा सॉल्यूशन देता हूं मैं। उसमें आपका स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन हो गई, स्क्रीन स्ट्रेचर मशीन हो गया, एक्सपोजर हो गया, और उसके अलावा जो फिल्म बनाने के लिए प्रिंटर चाहिए वो प्रिंटर हो गया, उसका सॉफ्टवेयर हो गया, जो कलर को कटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है वो सॉफ्टवेयर भी मैं देता हूँ। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं स्क्रीन प्रिंटिंग का भी प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल। इसके अलावा स्क्रीन प्रिंटिंग में जैसे कई एक लोगों को जूते के अपर के ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग करना होता है और उसके लिए टेबल लगती है और ऑटोमेटिक उसके ऊपर फ्लैशर हीटिंग ड्रायर चलता है, तो वो ड्रायर और वो पूरी टेबल के साथ भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अगर किसी को चाहिए जैसे टी शर्ट में जाएंगे तो टी शर्ट के लिए भी टेबल लगती है, जूते के लिए अपर के लिए जाएंगे तो जूते के अपर के लिए भी टेबल लगती है, और उसके लिए ऑटोमेटिक ड्रायर भी दे सकते हैं और मैनुअली आप हाथ से ड्राई करने वाला भी फ्लैशर उसमें दे सकते हैं हम लोग। तो जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा वैसा प्रोवाइड करेंगे। सर एक बार एड्रेस दोबारा बता दीजिए, अगर व्यूअर्स आपसे मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो कहाँ पर आना होगा? सर देखिए, बेसिकली मेरा हर जगह सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप इंडिया मार्ट में जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, और आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, और आपका इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर फिजिकली मीटिंग करनी है हमसे तो मेरा फैक्ट्री का एड्रेस है C59 Sector 10, और दूसरा मेरा जो असेंबली जहाँ पे होता है मशीनें, एक जगह बनता है एक जगह पूरा असेंबली होता है, तो जहाँ असेंबली हो और मेरा ऑफिस है वो है C105 Sector 10 नोएडा। अभी फिलहाल हमारा नोएडा में बेस्ड है, और मेरा 3 फैक्ट्री में ऑलरेडी वहाँ पे काम होता है। अलग अलग टाइप का बिजनेस करते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप की मशीनें बनाते हैं और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं कस्टमर को, चाहे वो लेनयार्ड प्रिंटिंग का हो, चाहे शूज इंडस्ट्री का हो, चाहे स्टेशनरी का हो, चाहे आपका गारमेंट इंडस्ट्री, तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को समझाया, मशीनों के बारे में बताया। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ का कलेक्शन कैसे लगा, यहाँ की मशीनें कैसी लगी, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने नंबर दे रखा है सर का, पूरी कंप्लीट डिटेल्स दे रखी है, आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।